Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Waseem Ai Khan, Assistant Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So in today's lecture, we will discuss Section 201 to Section 211 of Indian Penal Code 1860, which is a part and parcel of Chapter of False Evidence and Offences Against Public जस्टिस. सो सेक्शन 201 से लेकर सेक्शन 211 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो डील करता है कि जब कभी भी किसी प्रॉपर्टी को कोर्ट अटैच करने वाला है और अगर कोई पर्सन वो प्रॉपर्टी को उस जुरिसडिक्शन से रिमूव करने की कोशिश करता है तो उसको पनिशमेंट क्या होगी, प्रोविजन क्या होगे, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. या अगर किसी डॉक्यूमेंट की कोर्ट में जरूरत है और वो डॉक्यूमेंट को कोई डिस्ट्रॉय करता है, उसको निस्तनाबूद करने की कोशिश करता है, उस सिचुएशन में प्रोविजंस क्या होगे, एविडेंस को मिटाने की कोई कोशिश करता है उस सिचुएशन में प्रोविजंस क्या होगे, सेक्शन 201 से लेकर सेक्शन 211 आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन पर पूछ सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. False evidence and offences against public justice, part 2nd, section 201 to 211 we will discuss in this particular lecture. एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि वी आर कवरिंग 10 टू 11 सेक्शन इन अ सिंगल लेक्चर. एक सेक्शन, एक ही लेक्चर में हम 10 से 11 सेक्शन कवर कर रहे हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, सो प्लीज बियर. सेक्शन 201 डील्स विद causing disappearance of evidence of offence or giving false information to screen offender. Section 201. So whoever knowing or having reason to believe that a person that an offence has been committed causes any evidence of the commission of that offence to disappear with the intention of screening the offender from legal punishment. So if any person having an information regarding the commission of offence, and if he make any act, and by his act if any evidence is disappeared, and the intention behind such act is to screen the offender from legal punishment. समझ रहे हो कि अगर for example कोई offence होता है, एकादा person, एकादा offender कोई offence करता है और वो offence करने के बाद किसी person को, suppose मुझे वो offence की information है और information मेरे पास रहने के बाद भी मैं कोई एकादा इविडेंस जो ऑफेंस का इविडेंस है मैं उसको डिसअपियर करता हूं, उसको वहां से रिमूव करता हूं, उसको गायब कर देता हूं मैं इविडेंस को, और उसको गायब करने का जो इविडेंस को गायब करने का मेरा इंटेंशन क्या है, टू स्क्रीन द ऑफेंडर फ्रॉम अ पनिशमेंट, कि मैं ऑफेंडर को पनिशमेंट से बचाना चाहता हूं. समझ रहे हो, एक ऑफेंडर ने ऑफेंस किया और मैं इविडेंस नष्ट कर रहा हूं, मैं इविडेंस डिसअपियर कर रहा हूं, और इविडेंस डिसअपियर करने का मेरा इंटेंशन है उस ऑफेंडर को सजा से बचाना, और विद दैट इंटेंशन गिव्स एनी इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग द ऑफेंस विच ही नोस और बिलीव्स टू बी फॉल्स, और विद दैट इंटेंशन गिव्स एनी इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग द ऑफेंस विच ही नोस और बिलीव्स टू बी फॉल्स, और ये इंटेंशन के साथ मैं ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ऑफेंस से रिलेटेड जो कि गलत है. समझ रहे हो, एंड इफ अ कैपिटल ऑफेंस इज देयर, बट वो जो ऑफेंडर है जिसने अगर कैपिटल ऑफेंस कर रहा है और मैं उसको अगर फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन कर रहा हूं, तो शाल इफ द ऑफेंस विच ही नोज और बिलीव्स टू हैव बीन कमिटेड इज अ पनिशेबल विद डेथ, बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड शाल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन. फॉर एग्जाम्पल किसी ऑफेंडर ने मर्डर किया और मर्डर करने के बाद मैं अगर वो इविडेंस को डिसअपियर करता हूं और इस इंटेंशन से कि मैं वो ऑफेंडर को बचा लूं, ऑफेंडर को बचाने के लिए मैं इविडेंस को डिसअपियर करता हूं, तो मर्डर में डेथ पेनाल्टी है, तो उस सिचुएशन में मुझे सजा कितनी होगी, क्योंकि मैंने इविडेंस को डिसअपियर किया, मैंने गलत इंफॉर्मेशन दिया पुलिस ऑफिसर को, तो उस सिचुएशन में मुझे 7 साल तक की सजा हो सकती है एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन. तो डेथ पेनल्टी के ऑफेंस में मैं इविडेंस को डिसअपियर करूंगा तो 7 साल तक की सजा, और इफ पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, एंड इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ,
or with imprisonment which may extend to 10 years shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. अगर मैं offender ने कोई offence किया जिसमें उम्र कैद है, life imprisonment है, और उसमें अगर मैं evidence को disappear करता हूँ वो offence में, तो मुझे 3 साल तक की सजा होगी और साथ ही साथ fine भी impose कर सकता है court मुझ पर. ये punishable with less than 10 year imprisonment. So suppose if punishable with less than 10 year imprisonment and if the offence is punishable with imprisonment for a term not exceeding 10 years shall be punished with imprisonment of either description provided for the offence for a term which may extend to 1/4 part of longest term of imprisonment provided for the offence or with fine or with both. So for example, मैं अगर ऐसे offender को screen कर रहा हूँ, ऐसे offender को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसने 10 साल तक का सजा वाला ऑफेंस किया तो मुझे सजा कितनी होगी. फॉर एग्जांपल वो ऑफेंस में 10 साल की सजा है तो मुझे 1/4 ढाई साल तक की मुझे सजा होगी. वो ऑफेंस में अगर 6 साल की सजा है तो मुझे 1.5 साल की सजा होगी. वो ऑफेंस में अगर 4 साल की सजा है तो मुझे 1 साल की सजा होगी. ऐसा ऑफेंडर जिसने ऑफेंस किया जिसमें 10 साल की सजा है और मैं एविडेंस डिसअपीयर करके उस ऑफेंडर को बचाना चाहता हूँ तो मुझे सजा 1/4 होगी, मतलब ढाई साल मुझे सजा होगी. समझ रहे हो? That is the provision of section 201. For example, David knowing that, David को ये पता था that John has murdered Robert. तो David को ये पता था कि John ने Robert का murder किया. David assist John to hide the body with the intention of screening John from punishment. तो David ने John की मदद किया Robert की body को ठिकाने लगाने में, उसको body को छुपाने में मदद किया. So, और वो छुपाने का मदद क्या था? He want to screen John from punishment. कि वो John को सजा से बचाना चाहता था. समझ रहे हो? David को पता था कि John ने Robert का murder किया और David ने intentionally John की मदद किया वो जो dead body है उसको छुपाने में, उसको hide करने में. समझ रहे हो? और उसको hide करने का मकसद क्या था? कि John को सजा से बचाए. अब यहाँ पर क्या होगा? David is liable to imprisonment of either description for 7 years. And also be liable to fine. तो 7 साल की सजा डेविड को होगी और फाइन भी इम्पोज किया जाएगा उस पर. क्यों? क्योंकि ऐसे ऑफेंस में उसने मदद किया, ऐसे ऑफेंस में बचाने की कोशिश किया ऑफेंडर को जिसमें डेथ पेनल्टी है मर्डर में, इसलिए 7 साल की डेविड को सजा होगी. नाउ सेक्शन 202, इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म. So, whoever knowing or having reason to believe that an offence has been committed, intentionally omit to give any information respecting that offence which he is legally bound to give. If any person bound by law to give information regarding any offence, and if he intentionally skip and omits to give such information, for example, law ne bound kiya hai, law ke hisab se mere pe binding hai ki koi offence hua to main uski jald se jald इन्फॉर्मेशन दू, और मैं इंटेंशनली इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं, ओमिट करता हूं, मैं इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं ऑफेंस से रिलेटेड, उस सिचुएशन में क्या होगा? आई शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ और विद फाइन और विद बोथ. तो मुझे 6 महीने तक की सजा और फाइन दोनों भी हो सकता है. अगर इंटेंशनली लॉ ने मेरे पे बाइंडिंग है कि कोई ऑफेंस होता है तो मुझे इन्फॉर्मेशन देना है, लेकिन मैं इंटेंशनली इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ तो मुझे 6 महीने तक की सजा या फाइन या दोनों भी हो सकता है. सेक्शन 203, गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड. सो हूएवर नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड गिव्स एनी इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग दैट ऑफेंस व्हिच ही नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स. इफ एनी पर्सन नोज द फैक्ट दैट that particular offence has been committed and he has given an information which is false one regarding that particular offence. Person को पता है कि कहीं offence हुआ है और वो offence की information उसने दिया, लेकिन वो information ऐसी information दिया जो कि गलत है, सही information नहीं दिया उसने. offence की information तो दिया लेकिन गलत दिया, offence हुआ और उसकी information थी जो गलत information अगर दिया person ने तो he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. तो offence हुआ है तो misguide करता है, अगर गलत information देता है कोई person तो उसको 2 साल तक की सजा, fine या दोनों भी हो सकता है. Explanation is there in section 201 and 202.
And in this section, the word offense includes any act committed at any place out of India, which if committed in India would be punishable under any of the following section, namely. ये जितने section आप screen पे देख रहे हो, अगर इस section में कोई person outside India भी अगर कोई act करता है, अगर वो act India में punishable है, तो outside India भी करा, तब भी वो offense ही कहलाएगा, और वो यहाँ पर offense के meaning में ही आएगा, उस offense से related भी अगर कोई गलत information देता है यहाँ पर, तो section 203 में उसको सजा हो सकती है. Now, section 204, destruction of document to prevent its production as evidence. Destruction of document to prevent its production as evidence. So, whoever secret or destroys any document which he may be lawfully compelled to produce as evidence in a court of justice. एक आधा person है कि जिसको court कभी भी compel कर सकता है वो document produce करने के लिए court के सामने. मुझे पता है कि मेरे पास ऐसा कोई document है जो court मुझे कभी भी summons issue करेगा और court वो produce करने का कहेगा. लेकिन मैंने क्या किया, वो document को destroy कर दिया. अगर वो डॉक्यूमेंट को मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ और इन एनी प्रोसीडिंग लॉफुली हेल्ड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक सर्वेंट भी मुझे प्रोड्यूस करने का कह सकता है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को अगर मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ या उसको ऐसा करता हूँ कि वो पढ़ने में ना आए या वो डिस्ट्रॉय हो जाए, अगर मैं इस इंटेंशन से अगर उस डॉक्यूमेंट को खराब करता हूँ, सो विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग द सेम फ्रॉम बींग प्रोड्यूस, और वो उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसको पढ़ने लायक नहीं रखने का मेरा इंटेंशन क्या है, के वो कोर्ट में प्रोड्यूस ना हो डॉक्यूमेंट, और यूज्ड एज एविडेंस बिफोर सच कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट एज अफोरसेड, और आफ्टर ही शैल हैव बीन लॉफुली समन्ड और रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम फॉर दैट पर्पस. मुझे पता है मेरे पास डॉक्यूमेंट है, कोर्ट मुझे समन्स इशू करेगा और मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो मैं प्रोड्यूस ना करूं इस इंटेंशन से, मैं उसको डिस्ट्रॉय करता हूं या पढ़ने के लायक नहीं रखता हूं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, I shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. तो मुझे 2 साल तक की सजा, fine या दोनों हो सकता है. समझ रहे हो? तो अगर मेरे पास document है, मैं उसको destroy करता हूँ, तो ये सजा मुझे होगी. 205. False personation for purpose of act or proceeding in suit or prosecution. So whoever falsely personate another and in such assumed character makes any admission or statement or confesses judgment. तो एक आधा person falsely personate कर रहा है. For example, मैं कह रहा हूँ कि मैं A हूँ और A के capacity में, A के character में मैं एक आधा admission कर रहा हूँ या statement pass कर रहा हूँ या confess कर रहा हूँ, ये judgment को confess कर रहा हूँ. समझ रहे हो? हालांकि मैं A नहीं हूँ, A को personate करके मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ, तो सिचुएशन में मेरे लिए क्या लायबिलिटी होगी. और कॉज एनी प्रोसेस टू बी इशूड और बिकम्स बेल और सिक्योरिटी और डज एनी अदर एक्ट इन एनी सूट और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. या मैं प्रिटेंड कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ मैं ए हूं और ए के नाम पे मैं किसी की जमानत ले रहा हूं या मैं सिक्योरिटी ले रहा हूं. समझ रहे हो? तो मैं पर्सोनेट करके अगर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में कोई कन्फेशन देता हूँ, कोई एडमिशन देता हूँ, कोई स्टेटमेंट करता हूँ या बेल के लिए एज ए श्योरिटी अपियर होता हूँ, उस सिचुएशन में मेरी लायबिलिटी क्या होगी. आई शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ. तो मुझे 3 साल तक की सजा, फाइन या दोनों हो सकता है. समझ रहे हो? कि मैं कोर्ट में किसी के दूसरे के नाम पे अपियर होकर कन्फेशन दे रहा हूँ, एडमिशन दे रहा हूँ, किसी दूसरे के नाम के चलते या दूसरे के नाम पे मैं श्योरिटी ले रहा हूं, कोर्ट के सामने जमानत ले रहा हूं, तो मुझे 3 साल तक की सजा होगी, फाइन भी इंपोज हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं. सेक्शन 206, फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर एज अ फॉर और एज फॉरफिटेड और इन एग्जीक्यूशन. सो हूएवर फ्रॉडुलेंटली रिमूव्स, कंसील, ट्रांसफर और डिलीवर्स टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयर इन. एक आधा पर्सन किसी प्रॉपर्टी को फ्रॉडुलेंटली क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह उसको रिमूव कर रहा है, या छुपा रहा है कोई प्रॉपर्टी को, या ट्रांसफर कर रहा है, किसी और को प्रॉपर्टी बेच रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, या डिलीवर कर रहा है टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयर इन, या इंटरेस्ट भी अगर ट्रांसफर करता है, इंटेंशन क्या है वो ट्रांसफर के पीछे, कंसीलमेंट के पीछे, रिमूवल के पीछे इंटेंशन क्या है, intending thereby to prevent that property or interest therein from being taken as a forfeiture on in satisfaction of a fine under a sentence which he has pronounced. समझ रहे हो?
पर्सन को पता है कि उसके अगेंस्ट में सेंटेंस का ऑर्डर पास हुआ है और फाइन इम्पोज किया है कोर्ट ने, और वो फाइन के चलते उसकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी सीज होने वाली है, वो प्रॉपर्टी कोर्ट जब्त करने वाला है, तो जब्त से प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगर वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को रिमूव करता है, उस प्रॉपर्टी को छुपाता है या उस प्रॉपर्टी को बेचता है, तो उस पर्सन को सजा क्या होगी, और विच ही नोज टू बी लाइकली टू बी प्रोनाउंस्ड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और फ्रॉम बींग टेकन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री और ऑर्डर विच हैज बीन मेड और विच ही नोज टू बी लाइकली टू बी मेड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस इन अ सिविल सूट। तो अगर जजमेंट पास करने के बाद भी ये कर रहा है, तब भी अगर पर्सन को ऐसा लगता है कि उसके अगेंस्ट में केस चल रही है और कोर्ट उसके अगेंस्ट में जजमेंट पास कर सकता है उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, और जजमेंट पास कर सकता है उसको ऐसा पता है, और ये पता चलते बराबर अगर वो प्रॉपर्टी को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है, तब भी वो लायबल रहेगा सेक्शन 206 में। ही शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। तो ऐसे पर्सन को जो कोर्ट के जजमेंट को एग्जीक्यूट होने से बचाने के लिए अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है या कंसील कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को 2 साल तक की सजा, फाइन या दोनों हो सकता है। सेक्शन 207 फ्रॉडुलेंट क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर एज फॉरफीचर और इन एग्जीक्यूशन। हुएवर फ्रॉडुलेंटली एक्सेप्ट रिसीव्स और क्लेम्स एनी प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयर इन नोइंग दैट ही हैज नो राइट और राइटफुल क्लेम टू सच प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट। एखादा पर्सन है जो फ्रॉडुलेंटली एक्सेप्ट कर रहा है या कोई इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है किसी प्रॉपर्टी में, जिसका पता है कि उसका इस प्रॉपर्टी पे कोई राइटफुल क्लेम नहीं है, उस पर वो प्रॉपर्टी पे कोई उसका अधिकार नहीं है ना कोई इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, अगर वो फ्रॉडुलेंटली एक्सेप्ट कर रहा है या फ्रॉडुलेंटली रिसीव कर रहा है ऐसा इंटरेस्ट कोई पर्सन, और प्रैक्टिसेस एनी डिसेप्शन टचिंग एनी राइट टू एनी प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयर इन इंटेंडिंग देयर बाय टू प्रिवेंट दैट प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट देयर इन फ्रॉम बींग टेकन एज अ फॉरफीचर और इन सेटिस्फेक्शन ऑफ अ फाइन अंडर अ सेंटेंस विच हैज बीन प्रोनाउंस्ड। तो वो पर्सन को एक्सेप्ट करने का, फ्रॉडुलेंटली एक्सेप्ट करने का उसका इंटेंशन क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी कोर्ट इसको फॉरफिट कर सकता है, कोर्ट इसको जब्त कर सकता है, वो जब्ती से बचाने के लिए अगर ऐसा फ्रॉडुलेंटली कोई प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है क्लेम या इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है जिसमें उसका कोई राइटफुल क्लेम नहीं है, और विच ही नोज टू बी लाइकली टू बी प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और फ्रॉम बीइंग टेकन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री और ऑर्डर विच हैज बीन मेड। तो कोर्ट के एग्जीक्यूशन से बचाने के लिए वो प्रॉपर्टी को, अगर फॉरफीचर से बचाने के लिए अगर कोई पर्सन फ्रॉडुलेंटली प्रॉपर्टी को अपने पास रिसीव कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है उसका इंटरेस्ट, जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है इंटरेस्ट फ्रॉडुलेंटली, वो पर्सन के लिए सजा होगी। सजा कितनी होगी? He shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. 2 साल तक की सजा, fine या दोनों भी उस पर इम्पोज की जा सकते हैं। Section 208. Fraudulently suffering decree for sum not due. So, whoever fraudulently causes or suffers a decree or order to be passed against him at the suit of any person for a sum not due or for a longer sum that is due to such person or for any property or interest in property to which such person is not entitled or fraudulently causes or suffers a decree or order to be executed against him after it has been satisfied or for anything in respect of which it has been satisfied. So shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. तो यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किए हुआ है कि ऐसा पर्सन जो फ्रॉडुलेंटली क्या कर रहा है, कॉजेस और सफर्स अ डिक्री और ऑर्डर टू बी पास्ड अगेंस्ट हिम। फॉर एग्जांपल, मैं फ्रॉडुलेंटली ऐसा कोर्ट को मिसगाइड कर रहा हूं कि वो मेरे अगेंस्ट में डिक्री पास करे एट द सूट ऑफ एनी पर्सन फॉर अ सम नॉट ड्यू। किसके अगेंस्ट में? फॉर एग्जाम्पल, कि मैं चाह रहा हूं कि एक ही जो केस है वो एक केस में कोर्ट मेरे अगेंस्ट में जजमेंट दे, ए के फेवर में जजमेंट दे, हालांकि ए का मेरे तरफ कोई पैसा नहीं है, या मैं ये चाह रहा हूं कि ए का फॉर एग्जांपल 2000 मेरे तरफ पैसा है तो 4000 की कोर्ट डिक्री पास करे। अगर ये इंटेंशन से अगर मैं फ्रॉडुलेंटली कोर्ट को मिसगाइड कर रहा हूं जजमेंट पास करने के लिए, डिक्री पास करने के लिए, डिक्री को सफर कर रहा हूं मैं, तो उस सिचुएशन में मुझे सजा होगी
इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ, 2 साल तक की सजा या विद फाइन और विद बोथ। एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ए इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट जेड, तो ए ने जेड के अगेंस्ट में सूट फाइल किया। अब जेड को पता है, जेड नोइंग दैट ए इज लाइकली टू ऑब्टेन ए डिग्री अगेंस्ट हिम, ए को पता है, सॉरी जेड को पता है कि ए ये केस जीत जाएगा, है ना। ए ने क्या किया, जेड के अगेंस्ट में सूट फाइल किया। अब जेड को पता है कि ए ये केस जीत जाएगा, तो जेड ने क्या किया, जेड फ्रॉडुलेंटली सफर अ जजमेंट टू पास अगेंस्ट हिम फॉर अ लॉन्गर अमाउंट एट द सूट ऑफ बी। तो जेड ने क्या किया, कोर्ट को मिसगाइड करना शुरू किया। जेड ने ऐसे फैक्ट लाना शुरू किया कि जो बी का जेड के अगेंस्ट में जो केस चल रहा है, वो केस में कोर्ट बी के फेवर में जजमेंट पास करे और जेड के अगेंस्ट में। हु हैज नो जस्ट क्लेम अगेंस्ट हिम, बी का कोई क्लेम नहीं है, फिर भी फ्रॉडुलेंटली ऐसे फैक्ट लेकर आ रहा है जेड कि कोर्ट बी के फेवर में जजमेंट पास करे। एंड इन ऑर्डर दैट बी आइदर ऑन हिज ओन अकाउंट और फॉर द बेनिफिट ऑफ जेड may share in the proceed of any sale of Z's property which may be made under A's decree, Z has committed an offence under this section. In simple, हम इस example को समझने की कोशिश करते हैं कि A ने Z के अगेंस्ट में suit file किया, Z को पता है कि ये case A जीत जाएगा, तो Z ने क्या किया, fraudulently कुछ चीजें court के सामने ऐसा लेकर आया कि B का जो claim है Z के अगेंस्ट में, दूसरी case में B भी suit file किया हुआ है Z के अगेंस्ट में, तो Z ने ऐसे कुछ ग्राउंड्स या ऐसे कुछ फैक्ट कोर्ट के सामने लेकर आया जिसके चलते कोर्ट को उसने मिसगाइड किया और कोर्ट को ये बताया कि वो बी के फेवर में जजमेंट पास करे, और बी का कोई राइटफुल क्लेम नहीं था जेड पे, लेकिन उसने फिर भी फ्रॉडुलेंटली कोर्ट को मिसगाइड किया कि बी के फेवर में जजमेंट पास करे। जब बी के फेवर में जजमेंट पास करेगा तो बी क्या करेगा, ए के साथ शेयर करेगा इंटरेस्ट, ए और बी दोनों को कोर्ट अगेंस्ट में, ए और बी के फेवर में पास करेगा जजमेंट और जेड के अगेंस्ट में पास करेगा। तो जब बी के फेवर में करेगा तो जो भी प्रॉपर्टी जेड के पास है तो वो प्रॉपर्टी दोनों में शेयर होगी, ए और बी में। तो जब बी में शेयर होगी तो वो क्या करेगा, जेड, जेड का इंटेंशन ये है कि वो बी के पास से जो फ्रॉडुलेंटली उसने उसके तरफ डाइवर्ट किया था शेयर, वो बी के पास से बाद में रिकवर करेगा। अगर ये इंटेंशन से अगर वो डिक्री को सफर करता है फ्रॉडुलेंटली, तो उस सिचुएशन में जेड को सजा हो सकती है सेक्शन 208 में। नाउ सेक्शन 209, डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट। सो हूएवर फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली और विथ इंटेंट टू इंज्योर और अनाय एनी पर्सन मेक्स इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस एनी क्लेम विच ही नोज टू बी फॉल्स। अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली या उसका इंटेंशन है सामने वाले पार्टी को इंज्योर करने का या परेशान करने का, अगर कोर्ट में ऐसा स्टेटमेंट देता है, समझ रहे हो, इंटेंट टू इंज्योर एनी पर्सन मेक्स इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस एनी क्लेम, या ऐसा क्लेम करता है कोर्ट में किसको, सामने वाले पार्टी को इंज्योर करने के लिए जो कि गलत है, ऐसा क्लेम पेश करता है कोर्ट में जो गलत है, विथ इंटेंट टू इंज्योर और एनॉय एनी पर्सन, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine. अगर मैं dishonestly या fraudulently ऐसा कोई claim करता हूँ court में किसी person को परेशान करने के लिए, किसी person को injure करने के लिए, मुझे पता है कि मेरा claim सही नहीं है, false है, तो मुझे सजा होगी 2 साल तक की सजा and I shall also be liable to fine, मैं fine के लिए भी liable रहूँगा। Section 210, fraudulently obtaining decree for sum not due. So whoever fraudulently obtains a decree or order against any person for a sum not due or for a larger sum that is due or for any property or interest in property for which he is not entitled or fraudulently causes a decree or order to be executed against any person after it has been satisfied or for anything in respect of which it has been satisfied. So whoever fraudulently obtains a decree or order against any person for a sum not due. एकादा पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी पर्सन के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, मुझे पता है कि उसके तरफ मेरा कुछ भी नहीं है, उसके तरफ कोई पैसा नहीं है मेरा, लेकिन मैंने रिकवरी ऑफ अमाउंट का सूट फाइल किया फ्रॉडुलेंटली, और अगर उसके पास से मैं डिग्री ऑप्टेन कर रहा हूँ उसके तरफ से फ्रॉडुलेंटली, उसके तरफ कोई पैसा बाकी नहीं है, फिर भी मैं झूठा दावा करके अगर उसके पास से पैसे निकालता हूँ, तो उस सिचुएशन में मुझे क्या होगा, और फ्रॉडुलेंटली सफर्स और परमिट्स एनी सच एक्ट टू बी डन इन हिज नेम, तो shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. तो 2 साल तक की सजा, fine या दोनों भी हो सकता है।
मुझे पता है कि सामने वाले पर्सन पे मेरा कोई पैसा नहीं है, फिर भी मैं उस पर्सन के अगेंस्ट में सूट फाइल कर रहा हूँ विद फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, उसको इंजोर कर उसको परेशान करने के लिए मैं फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर रहा हूँ, तो मुझे सजा हो सकती है 2 साल तक की सजा, फाइन और या दोनों। सेक्शन 211, फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजोर हुएवर विद इंटेंट टू कॉज इंजुरी टू एनी पर्सन इंस्टीट्यूट और कॉज टू बी इंस्टीट्यूटेड एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैट पर्सन। अगर कोई पर्सन इस इंटेंशन के साथ किसी पर्सन को इंजोर करने के, किसी पर्सन को तकलीफ पहुंचाने के इंटेंशन से अगर उस पर चार्जेस लगाता है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करता है उस पर्सन के अगेंस्ट में, और फास्टली चार्ज एनी पर्सन विथ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस, और ऐसे चार्जेस लगाता है कि उसने ऑफेंस किया है, नोइंग दैट देर इज नो जस्ट और लॉफुल ग्राउंड फॉर सच प्रोसीडिंग और चार्ज अगेंस्ट दैट पर्सन, मुझे पता है कि वो मासूम है, उसने कुछ नहीं किया है, फिर भी मैं अगर उस पर्सन पे क्रिमिनल चार्जेस लगाता हूं उसको इंजोर करने के लिए, तो आई शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। तो मुझे 2 साल तक की सजा, फाइन या दोनों हो सकता है, सेक्शन 211। And if such criminal proceeding be instituted on a false charge of an offence, punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for 7 years or upwards. And if such criminal proceeding be instituted on a false charge, अगर वो criminal proceeding अगर institute होती है false charge पे, वो false charge के base पे अगर criminal proceeding institute होती है, तो उस situation में punishment कितनी होगी? Death, imprisonment for life or imprisonment for 7 or upwards. And shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. तो अगर वो उसके false charge पे अगर कोई criminal proceeding institute होती है, कौन सी criminal proceeding institute हो रही, ऐसे charges लगाए जा रहे हैं उस person पे वो false base पे, कौन से charges लगाए गए, ऐसे ऑफेंस के चार्जेस लगाए गए जिसमें डेथ पेनल्टी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या 7 साल तक की सजा है, तो ऐसे चार्जेस अगर उस पर्सन पे लगाए जाते हैं तो जिसने झूठे चार्जेस लगाया उसको सजा कितनी होगी? उसको सजा होगी 7 साल तक की सजा एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ फॉल्स एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।